केते तेल पकाइबु थरे चार्ज बसाइबु तीनी चारि दिन जाए आउ चेपरे टेंशन रहिबनी। पेट्रोल डीजल गाड़ीर एबे विकल्प खोजिबा आरंभ कलेनि लोके जेउतिपाई ओडिसा बजार रे एबे इलेक्ट्रिक जान बा ई व्हीकल रो चाहिदा बढ़िबार लागिछि। लोकको कहिबा कथा थरे टंका खर्च करिबु पछे कोनसे झिंझट नथिबा परि गाड़ी टाणिबु तेल खर्च भी आमर बचाऊँच सबुआड़े भी खर्च बचुच मानुअली जना पड़े ये गोटे मसु चार्ज कले थे चार्ज करदेव 100 किलोमीटर जासुक आम बिल उठू 100 टाँचा इ व्हीकल रो चाहिदा बढ़ुता बेले ग्राहकों को अधिक आकृष्ट करने को राज्य सरकार एवं सब्सिडी व्यवस्था आरंभ कर पिछला भाव में 2021 सेप्टेम्बर पहलू व्यवस्था लागू करा द्वारा सीधासलख क्रेता बैंक अकाउंट को सब्सिडी राशि एथिपाई नुआकरी ओडिसा ट्रांसपोर्ट .gov.in रो शुभारंभ करिछि परिवहन विभाग। एही पोर्टल रे लॉगिन करी निज ई जानो नंबर वो चेचिच नंबर सह गाड़ी रो आवश्यक तथ्य देले सब्सिडी पाइबा को योग्य हेबे। तथ्य दाखल रो 24 घंटा मध्यरे सेमानक बैंक अकाउंट को सब्सिडी टंका आसीचिबो। जेहेतु पेट्रोल रेट आपर बढ़ुच्छे आ गवर्नमेंट आपर सब्सिडी अमाउंट जेहेतु देछि आपर से बढ़ आगे आम जमी 2019 मसीह आगे स्टार्ट करूँ अंजलि एफ एवं आम जी सेल करूँ तार नंबर से धीरे 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 ग्राजुआली बढ़ी 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 चलती आमर एवं मंथली आम कि ना 150 गाड़ी एवं सेपटे सरकारी कर्मचारी इ व्हीकल किणवा को सुधमुक्त अग्रिम ऋण देवा राज्य सरकार निष्पत्ति 2025 डिसेंबर 31 पर्यंत एही सरकारी कर्मचारी एही योजनार लाभ पाइपे। ग्रुप ए और बी र कर्मचारी को चारि चकिया जान 75% अर्थ अग्रिम मिलवा को कहता बेले ग्रुप सी और डी र कर्मचारी को दुई चकिया जान क्रय 75% मिल परेशद मत लोके विकल्प खोजिवर सरकारी प्रोत्साहन यह फायदा देव जिते शीघ्र संभव जीवाश्म जाणी अधिक व्यवहार को रोक ह्रास आगामी दिन में विकल्प शक्तिर उत्स को जिते संभव सौर शक्ति पवन शक्ति तरंग शक्ति इत्यादि को जिते अधिक परिमाण में आम व्यवहार करवा प्रदूषण को आम नियंत्रण को नियामक व्यवस्था अनुसार दुई चकिया जान 5000 तीन चकिया जान 10000 और चारि चकिया जान 50000 टंका पर्यंत सब्सिडी व्यवस्था करा जाइछे। फेब्रुवारी रे राज्य रे 1381 ई व्हीकल बिक्री होइतबा बळे मार्च रे एहा 2607 रे पहुंचीछे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन संजीव टुनामंडल रोशन रथ और सुशांत साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।